अगला है शुद्ध प्रेरक टू परिपथ आपके पास दे रखा है। तो हमने क्या लिया बेटा, एक सौ प्रेरण ले लिया, उसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा। इसका सौ प्रेरक का मान मान लेते बेटा कितना दे रखा है, एल, और प्रत्यावर्ती स्रोत के विभव का मान है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके अंदर एक धारा बहेगी कितनी, आई, और आपके पास जो प्रेरक है उसके अंदर एक विभव उत्पन्न होगा, और सौ प्रेरक में उत्पन्न विभव का मान हम पढ़ चुके हैं कितना होता है, एल डी आई बट्टा डीटी। ये स्रोत विभव है इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये लोड विभव है इसलिए इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब आपने पढ़ा है केवीएल के अनुसार आप क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पर, कि कुल विभव का योग इस बंद परिपथ में शून्य होना चाहिए। तो एक विभव है V, दूसरा विभव है VL, और ये कुल योग जीरो प्राप्त होगा। VL को बराबर के उधर भेजोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, V बराबर VL, या फिर VL बराबर V, VL बराबर V, VL का मान दे रखा है L DI अपॉन DT, और V का मान दे रखा है V नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे धारा का मान ज्ञात करना है, डी टी इधर जाके ऊपर गुना होगा और एल बट्टे में आ जाएगा। तो डी आई बराबर वी नॉट बट्टा एल साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी। अब डी आई को आई बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए दोनों तरफ समाकलन करोगे, इधर समाकलन किया डी आई, इधर समाकलन डी टी के सापेक्ष होगा, तो वी नॉट बट्टा एल कॉन्स्टेंट राशि है साइन ओमेगा टी बट्टे में डी टी। डी आई का समाकलन हो जाएगा आई वी नॉट बट्टा एल, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है कोस ओमेगा टी। ध्यान दे डी टी के सापेक्ष कर रहे हो, तो टी के साथ जो भी गुणांक होगा समाकलन करते टाइम वो बट्टे में आता है, टी के साथ गुणा में ओमेगा में है तो बट्टे में भी क्या आएगा ओमेगा। अब ये जो मान प्राप्त हुआ है इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, आई बराबर वी नॉट बट्टा एल ओमेगा माइनस के कॉस ओमेगा टी। माना मैंने, और क्या माना, कि वी नॉट एक कांस्टेंट है, एल ओमेगा एक कांस्टेंट है, तो इनका अनुपात भी एक कांस्टेंट आएगा, नियत राशि आएगी, और वो हमने मान ली आई नॉट है। तो आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, वी नॉट बाई एल ओमेगा को आई नॉट लिखूंगा, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस के आई नॉट कोस ओमेगा टी। तो आपके पास विभव का समीकरण पता लग गया, प्रवाहित धारा का समीकरण पता लग गया, अब इनका निर्माण करेंगे वक्र। वक्र का निर्माण करेंगे तो इस अक्ष पे V और I को दर्शाया जाएगा, और इस अक्ष पे ओमेगा टी आपके पास। V निर्भर करता है साइन के ऊपर, तो वक्र भी साइन का ही बनेगा, और साइन का वक्र कुछ इस प्रकार का बनता है। ये हो गया प्लस V नॉट, ये हो गया माइनस के V। अब धारा का देखो, धारा निर्भर करती है माइनस के कोस ओमेगा टी, तो वक्र भी माइनस कोस ओमेगा टी का बनेगा, चूंकि ये माइनस है तो नीचे से स्टार्ट होगा, और कोस का वक्र कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये मान हो गया आई नॉट, और ये मान हो गया माइनस के आई से। ध्यान दे हमेशा वी नॉट का मान सदैव बड़ा बनेगा, और आई नॉट का मान सदैव छोटा बनेगा। अब हम निर्माण करेंगे बेटा इसका फेजर। फेजर में विभव का समीकरण है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का समीकरण है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फेजर बनाने से पहले विभव और धारा के समीकरण को चेक करते हैं कि ये फेजर बनने लायक है कि नहीं है। चेक करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, कि दोनों समीकरण पॉजिटिव होने चाहिए बट धारा नेगेटिव है, और दोनों समीकरण साइन के एंगल के रूप में लिखे होने चाहिए जबकि धारा कॉस में लिखी है। तो अब धारा के अंदर गणितीय विवेचना करनी पड़ेगी, और इस नेगेटिव को हटाना है और कोस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जेशन क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है कि जो आपके पास कोस थीटा है उसको लिखा जाता है साइन पाई बाई टू प्लस माइनस ऑफ थीटा। ध्यान दे अगर ये कोस नेगेटिव में है तो अंदर भी नेगेटिव लिया जाएगा, तो यहां देखो माइनस का कोस है तो अंदर क्या लिखेंगे साइन पाई बाई टू
माइनस के थीटा की जगह क्या हो जाएगा ओमेगा टी आपके पास। अब ये आई बराबर हो जाएगा कितना आई नॉट कैसा माइनस, ये माइनस साइन है जी ठीक है, इस कोस को लिख पाऊंगा कितना मैं साइन पाई बाई टू माइनस में क्या ओमेगा। अब ये बाहर जो गुणा में माइनस है इसको अंदर भेज देंगे, जैसे ही अंदर भेजेंगे तो i बराबर हो जाएगा i नॉट साइन माइनस को प्लस से गुणा करोगे ये माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा किया ये प्लस हो जाएगा, तो समीकरण बन जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई। धारा का समीकरण ये और विभव का समीकरण ये दोनों समीकरण फेजर बनने लायक है, फेजर बनाया जाता है एक्स वाई तल के अंदर, तो ये x और ये y आपके पास है। परिपथ में पहले विभव आएगा फिर धारा बनेगी, इसलिए फेजर में पहले विभव को दर्शाया जाएगा। v नॉट ये बताता है कि उसकी जो लेंथ है वो बड़ी रखनी है, साइन का फेजर नहीं बनता क्योंकि फेजर जो है वो रेखीय प्रदर्शन है जबकि साइन का वक्र आता है। अब एक टर्म बच जाती है ओमेगा टी जिसका v के साथ संबंध कैसा है समानुपाती, और समानुपाती का ग्राफ आता है एक सीधी रेखा, तो ये हो गया v नॉट और ओमेगा टी पॉजिटिव है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा आपके पास। अब धारा में देखो i नॉट ये कहना चाह रहा है कि लंबाई कैसी रखनी है मेरी छोटी, साइन का बनेगा नहीं, अब एंगल बच जाता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई। सबसे पहले ओमेगा टी की लाइन देखो ये रही, इससे माइनस पाई बाई टू, जब भी एंगल नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इससे पाई बाई टू क्लॉकवाइज यहां आ जाओगे आई नॉट और ये क्लॉकवाइज कितना चले पाई बाई टू, ये इनका बन गया फेजर। अब इस फेजर के ऊपर मान लीजिए मैंने आई नॉट को रेफरेंस बनाया है, तो ये रहा आई नॉट, मैं यहां से बात बोल सकता हूं कि ये जो v नॉट का मान है वो i नॉट से पाई बाई टू ऊपर बना हुआ है, v नॉट का मान i नॉट से पाई बाई टू आगे है, तो आगे है तो यहां पे दर्शाया जाएगा किसको v नॉट को और एंगल हो गया पाई बाई टू। इसे ग्राफ के बेसिस पे आप स्टेटमेंट ये दे सकते हो कि जो आपके पास प्रेरकत्व परिपथ होते हैं प्रेरकत्व में विभव का मान प्रवाहित धारा से पाई बाई टू कोण आगे होता है आपके पास ठीक है, तो ये पाई बाई टू हो गया। यहां पर अगर मैं पूछूं कलांतर कितने का है तो कलांतर आएगा पाई बाई टू का आपके पास। देखो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है और विभव का मान है ओमेगा टी, अंतर निकालने के लिए सबट्रैक्ट करोगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ये कट जाएगा तो कलांतर कितने का प्राप्त हो जाएगा आपको पाई बाई टू का कलांतर प्राप्त होगा। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है बेटा आपके पास क्या प्रेरकत्व प्रतिघात, जैसे वहां पर धारकीय प्रतिघात था यहां पर लिखा जाएगा प्रेरकत्व प्रतिघात जिसको एक्सएल से दर्शाया जाता है। प्रेरकत्व प्रतिघात क्या होते हैं कि आपके पास प्रेरकत्व परिपथ में प्रतिरोध का मान प्रेरकत्व प्रतिघात कहलाता है। समझो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रेरकत्व परिपथ है इस प्रेरकत्व परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध क्या कहलाएगा आपके पास प्रेरकत्व प्रतिघात कहलाएगा, जिसको हम किससे दर्शाएंगे बेटा एक्सएल से दर्शाएंगे। अब इसका मान कितना होता है उस मान को निकालने के लिए आपने एक टर्म लिखी थी माना वाली टर्म को उठाओ आई नॉट बराबर लिखा गया है वी नॉट अपॉन में एल ओमेगा, और आपने एक नियम पढ़ा है ओम का नियम कहता है आई नॉट बराबर होता है वी नॉट बट्टे में आर। अगर दोनों समीकरणों की तुलना करो धारा की जगह धारा लिखी गई है विभव की जगह विभव है तो ये प्रतिरोध एल ओमेगा के तुल्य है तो आर बराबर होगा एल ओमेगा, परंतु यहां इसको आर से नहीं दर्शाएंगे यहां दर्शाना पड़ेगा एक्सएल से।
अर्थात xn किसके बराबर हो गया, l ओमेगा के बराबर है। चूंकि xn r के भी बराबर है तो अगर आपसे पूछा जाए कि xn का मात्रक क्या है तो वो रहेगा ओम। यहां पर xn बराबर हो गया l ओमेगा, xn बराबर l, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। xn और f में जो संबंध है वो संबंध है समानुपाती का, और समानुपाती का ग्राफ आता है एक सीधी रेखा के पास। अब बात कर लेते हैं बेटा इसकी शक्ति। तो अगर मैं शक्ति की बात करूं तो p बराबर होता है बेटा vi आपके पास। थोड़ी जगह स्पेस का मैं छोटा लिख रहा हूं, एडजस्ट करें। p इक्वल टू v, v की जगह v नॉट sin ओमेगा t, और I की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा माइनस I नॉट कोस ओमेगा t। परंतु ध्यान दे मैंने लिखा है मोड ऑफ I, मतलब वैल्यू कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये लिखा जाएगा I नॉट कोस ओमेगा t। गुणा करोगे V नॉट I नॉट साइन ओमेगा t कोस ओमेगा t। इसको दो से गुणा किया, दो से भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये गणित का एक सूत्र बन गया साइन 2 ओमेगा टी आपके पास। तो p बराबर v नॉट i नॉट बट्टा 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। अगर मैं इसका वक्र बनाऊं जिसको बोलूंगा शक्ति वक्र, तो वक्र कुछ ऐसा बनेगा, विभव का वक्र ऐसा, v नॉट माइनस v नॉट ओमेगा टी। धारा में वक्र किसका बनेगा माइनस कोस ओमेगा टी, तो माइनस कोस ओमेगा टी कुछ ऐसा चलता है। तो ये हो गया आई नॉट और ये हो गई माइनस आई नॉट। अब शक्ति पे ध्यान दें, शक्ति का वक्र साइन 2 ओमेगा टी के अनुसार बनेगा। यहाँ पे ओमेगा टी के साथ गुना में 2 है, अर्थात ओमेगा टी समय अंतराल में ही आपको 2 चक्र पूरे करने पड़ेंगे। और V0 I0 बट्टा 2 है, अर्थात शक्ति का मान V0 से भी बड़ा होगा और I0 से भी बड़ा होगा। तो ये वक्र कुछ ऐसा बनेगा, ये शक्ति का वक्र है आपका, ठीक है। अगर मैं इसकी औसत शक्ति निकालूं, औसत शक्ति, तो यहां पर P एवरेज बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से T, P dt लिखा जाएगा, P dt बट्टा 0 से t 1 dt आपके पास। पॉज करना, ध्यान देना एक बार, हमने औसत शक्ति की बात की थी, तो p एवरेज बराबर होगा 0 से t, क्या लिखा गया बेटा p dt, और p का मान हमने निकाला v नॉट i नॉट बाय 2 sin ऑफ 2 ओमेगा t। v नॉट i नॉट बाय 2 sin ऑफ ओमेगा टी ऑफ डीटी भाग 0 से टी 1 डीटी, इसका समाकलन करोगे टी हो जाएगा। डीटी के सापेक्ष ये राशि कांस्टेंट है, तो पी एवरेज होगा v नॉट i नॉट बाय 2 0 से टी ऑफ sin 2 ओमेगा टी डीटी अपॉन में टी आपके पास। ध्यान दें 0 से टी sin 2 ओमेगा टी डीटी का समाकलन होता है 0। ये हो गया कौन ऑन है ना, ठीक है। इसका 0 से t sin 2 ओमेगा t dt का समाकलन कितना बेटा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, तो टोटल टर्म भी 0 हो जाएगी। अर्थात जो शुद्ध प्रेरक होता है उसमें भी औसत शक्ति का मान कितना प्राप्त होता है बेटा 0।